हेलो एवरीवन, इट्स कृति फ्रॉम आईटी रेफरेंस। तो यहाँ पर मैं अपनी जर्नी बताने वाला हूँ, जो भी मैंने अब तक किया है और आगे मेरा क्या सबका ड्रीम है और मैं क्या करना चाहता हूँ। तो इस चैनल पे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो एक वेब 3 डेवलपमेंट बनने के लिए कर रहे हैं। तो मेरा नाम कृतिक है एंड मैं सिर्फ अभी 23 ईयर्स का हूँ, वो भी सेप्टेम्बर में कम्प्लीट होगा 23। तो अभी तक मैंने जो भी किया है मैं अभी बताता हूँ। सो जब मैं मेरा स्कूल तो बहुत नॉर्मल तरह से हुआ एंड मेरा जूनियर कॉलेज भी सिंपल ही था, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं था। साइंस लिया था मैंने जूनियर कॉलेज में विद हिंदी नो आईटी एंड उसके बाद मैंने अपनी डिग्री की बीएससी मैथमेटिक्स से, जो कि एक नॉन आईटी बैचलर है। तो कोई इंजीनियरिंग नहीं किया मैंने एंड मेरी डिग्री भी कम सिंपल हुई है, यहाँ पर मेरे को कुछ आईटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला। बट एक चीज़ थी, मेरे को पहले ही समझ गई थी कि डिग्री ये सब डिग्री से कुछ होने नहीं वाला। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में भी खुद से पढ़ना चालू कर दिया था, फ्रीलांसिंग अपनी जर्नी चालू कर दी थी। तो हाँ, वहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने मिली। जब मैंने डिग्री मतलब एडमिशन लिया या निकला, तब मैं एक बोलते ना लोकल शॉप पे काम करता था। वो लोकल शॉप थी फोटोशॉप एंड फोटो स्टूडियो टाइप एंड वीडियोग्राफर था, बंदा रनवे स्टूडियो नाम था उस जगह का। सो वो जो था वो काफ़ी सही बंदा था, मतलब वो बंदे ने काफ़ी देखा है वर्निंग एंड उसने मुझे चीज़ें सिखाई। मैं तो ज्वाइन हुआ था हेल्प करने के लिए, बट उन्होंने मेरे को फोटोशॉप सिखाया एंड प्रीमियर को सिखाया, देन उन्होंने मेरे को कुछ काम दिए उस साइड से। तो तब मेरे को पता नहीं क्लिक हुआ कि हाँ भाई, ये भी कर सकते हैं हम, अपने जो चीज़ पसंद है हमें, हम वो चीज़ करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे अपने 18 या 17 के एज पर मिली थी। तो फिर मैंने चालू किया अपना फर्स्ट ईयर पे एडमिशन ले ली। कुछ महीने बीत गए तो मुझे नहीं समझ आता था मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी फ्रीलांसिंग करनी चालू की। हाँ, ज़्यादा नहीं कमाया, थोड़ा बहुत ही कमाया, बट एटलीस्ट KT/AT का पैसा निकल जा रहा था, तो ठीक है। देन उसके बाद मैंने कॉलेज में भी अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, जो था बैच प्रिंटिंग का। एंड अगर वो कंपनी अभी भी है, जहाँ से मैं बनवा रहा था एंड मैं सेल कर रहा था, इट्स लाइक मैं आधे घंटे में डिज़ाइन कर रहा था चीज़ें। तो ये है निवारा ग्राफिक्स नाम की कंपनी है। तो ये लोग प्रिंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टी शर्ट से लेके सब कुछ। तो ये मैंने इन्हें ढूंढा था इंडिया मार्ट से एंड जब मैंने इनसे बात की, मैंने सीखी चीज़ें कैसे ये लोग वर्क कर रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। एंड मैंने हर महीने में एक या दो डिज़ाइन आधे घंटे में प्रिपेयर कर थोड़ा एंड बैच सेल कर रहा, जिसे भी चाहिए रहेगा वो ऑर्डर कर दूँगा। तो ये अच्छा रहा था, बिजनेस में बन गया था। लाइक मैंने एक बहुत टाइम पहले एक अपना टाइम आएगा वाला बैच बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट टीचर वीचर भी पैनिक में हो रहे थे। तो यस, ऐसा था वो एंड लाइक मेरा वहाँ पर भी अच्छे खासे मतलब चल जाता हूँ मेरे कॉलेज। तो फर्स्ट ईयर में एक बार, फिर उसके बाद तो कोविड ही आ गया एंड ये सब बंद। फिर जब कोविड आया तो लग रहा भाई अभी तो क्या ही करेगा, कॉलेज तो है नहीं, कुछ नहीं घर में से कुछ भी घर बैठे बोर हो गया था। तो मैंने जो सीख रहा था मैं फर्स्ट ईयर से फ्रीलांसिंग में, कर रहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड बेसिक वेब डेवलपमेंट HTML से, तो मैंने फुल स्केल में सीखना चालू कर दिया। लाइक मैंने स्पीड अप कर दिया अपनी, क्योंकि पूरा दिन भर वही करता था, कॉलेज में जाते ही नहीं था, ऑनलाइन रहता था तो ऑनलाइन बैठता ही नहीं, तो पूरे दिन वही यूट्यूब पे सीख रख रहा। एंड देन फिर जब मैं थर्ड ईयर में आया, लाइक
इतना हो गया था कि मैं खुद से चीज़ें बना पा रहा था, चीज़ें कर पा रहा था। मैंने तो एक डेटिंग ऐप ऐप साइड ही बनाई थी, लाइक को क्या बोलते हैं, कोड कोड कैनियन, हाँ, इवेंट एलिमेंट्स का एक है फंडर सोशल मीडिया एप्लीकेशन, उसके साथ साथ डेटिंग का भी था। तो मैं वही देख रहा था, तो मुझे चीज़ें पता चली कैसे हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो हाँ, मैंने थोड़े गलत स्क्रिप्ट यूज़ किए थे, ठीक है, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए और चलेगा, मेरे को ऐसा लग रहा। तो मैंने चालू किया एंड देन मैंने अपनी साइट लाइव की, लाइक फ्री होस्टिंग पे ही लाइव की, कोई डोमेन होना नहीं पड़ेगा। तो मेरे कॉलेज की खुद की डेटिंग साइट थी उस वक्त तो मैंने बनाई थी, तो चली थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा लोग यूज़ ही नहीं किए उसको, सिर्फ मैं ही था उसमें और ऑलमोस्ट मेरे एक दो दोस्त बस। एंड देन ऐसे कर करके मुझे अच्छा लगा बनाना, मैंने खुद के पोर्टफोलियो बनाया, प्रोजेक्ट बनाए। एंड पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आज के टाइम में अगर आप टेक में जॉब चाहिए, टेक में कुछ कर रहे हो, तो खुद का पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं थर्ड ईयर में था, मेरा डिग्री ख़त्म भी नहीं हुआ एंड मेरे पास मेरी खुद की एक जॉब थी जो कि टॉनिक वर्ल्ड वाइड नाम की कंपनी थी, एंड उन्होंने मुझे हायर किया उस वक्त। एंड जब मैंने बताया कि मेरी डिग्री आई नहीं अभी तक, तो वो उन्होंने बोला कि पास हो जाओगे क्या, तो बोला हाँ हो जाऊँगा, तो दैट्स इट, उन्होंने ले लिया तो नहीं पूछते यार लोग से डिग्री अगर आपके पास चीज़ें। हाँ, उन्होंने मेरे से एक चीज़ बनवा के ली थी प्रोजेक्ट में, लाइक इंटरव्यू में ही मुझे प्रोजेक्ट दिया था, वो बना पाया तो ले लिया उन्होंने। तो प्रोजेक्ट था एक खुद का ईमेलर बनाना, जो कि कोटक ब्रांड के लिए बनाया था मैंने, तो लाइक ऐसे ही उन्होंने डिज़ाइन दिया था फोटोशॉप पे एंड उसे बना के देना, तो वो बनाया मैंने। एंड फिर मेरा इंटरव्यू हुआ जहाँ पे CTO थे एंड टीम लीड थे, तो वो लोग ने इंटरव्यू लिया मेरा टेक्निकल राउंड का, दैट्स इट। फिर उसके बाद हो गया मेरा एक 1.2 ईयर 2 मंथ्स मैंने काम किया वहाँ पर, एंड काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पे। एंड एक कुछ दो जो बनाए जैसे कि मयूर भाई, तो मयूर भाई ऐसे बन देना, तो वर्डप्रेस पे कुछ भी कैसा भी काम, टेस्टिंग लाइक कैसा भी काम वो कर देंगे तो दैट्स इट। ऐसे लोगों से नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, एंड लिटरली यार बहुत सही बनते। एंड उसके बाद जो समीर भाई थे लाइक CTO, तो वो भी काफ़ी नॉलेजेबल बंदे, एंड उनसे भी काफ़ी चीज़ें सीखी। एक बार तो उन्होंने मेरे साथ में बिठा के चीज़ें सिखाई थी, तो यार वेरी प्राउड ऑफ हिम, तो सही लगा यार ऐसे बंदे से, ऐसे बंदों के साथ मैंने काम किया। एंड रिसेंटली उनकी शादी भी हुई है, तो बहुत सही है। तो अभी उसके बाद मैंने 2 मंथ के, तो ये सब हो गया। एंड यहाँ पर भी जब मेरी जॉइनिंग हुई, मेरे को उम्मीद नहीं थी ऐसा है, ऐसा मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जल्दी, लाइक लोग इंजीनियरिंग करके ही बैठते हैं एंड उनके जॉब ही लग रहे। और मैंने तो एक थर्ड ग्रेड कॉलेज से, लाइक थर्ड ग्रेड नहीं बोल सकते, लाइक एक अननोन कॉलेज में, ज़्यादा लोग पता भी नहीं है उस बारे में, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी, लेकिन अच्छा कॉलेज है। तो वहाँ से बस बैचलर की डिग्री की है एंड जॉब की, तो विच इज़ नाइस टू हैव। देन ये सब होने के बाद मैंने 2 मंथ्स का ब्रेक लिया टॉनिक वाटर से। जब हो गया तो 2 महीने के ब्रेक पे मैं सोच रहा था क्या कर, मतलब मैंने छोड़ा इसलिए था कि मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ। तो मैं वापस कॉलेज मास्टर्स करने के लिए देख रहा था एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में देख रहा था, डिप्लोमा के बारे में। बट फिर बाद में मैंने 2 महीने का ब्रेक लिया एंड मैंने खुद से रिएक्ट सीखा, एंड ये 2 महीने में मैंने अपना पूरा रिएक्ट ख़त्म कर दिया। और फिर उसके बाद भी मेरे को ऐसा लगता था भाई मेरे को कुछ नहीं आता एंड तो मैंने ये टाइम पे अपना Next.js के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ना चालू कर दिया, क्या क्यों लोग अपडेट कर रहे हैं नेक्स्ट पे क्यों जा रहे हैं, एंड ये सब के बाद मुझे पता चला भाई
रिएक्ट तो है, साथ साथ में ऑल्टरनेटिव भी है उनके एंगुलर और व्यू में। तुझे कभी तक ये भी नहीं पता रिएक्ट के बाद साथ साथ एंगुलर और व्यू भी होते हैं, तो मुझे बहुत बाद में पता चला। तो लेकिन अगर सीखना नहीं, मेरे को एक ही चीज़ का भी कॉन्सेंट करना है तो रिएक्ट पे ही फोकस दे। मैं साथ में जब मैं ये सब कर रहा था लाइक कॉलेज में भी था एंड उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट जैसे मैं जॉब पे लगा तो लोग सोचते हैं कि जॉब पे हमें सीखने मिलेगा, बट एक चीज़ है कि जॉब पे आपको कोई सिखाने वाला नहीं बैठेगा, आपको कोई बैठ के सिखाएगा ऐसा कभी नहीं मिलेगा। आपको जो भी करना है खुद से सीखना है, खुद से करना है। तो कैसा होता ना कि वो लोग आपको टास्क दे देंगे, ये है प्रत्येक आज का टास्क, आपको एक दिन है, दो दिन है, तीन दिन है, ये टाइम लिमिट है, आपको ये करके दे, उससे ज़्यादा अगर हुआ तो फिर आप देख लो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 महीने संभालेंगे वो लोग, उसके बाद तो नहीं संभालेंगे। और आपको अगर लग रहा है इंटरव्यू करके भी अगर आपको जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद भी वो लोग देखते हैं प्रोविजन पीरियड में कि बंदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर पा रहा है तो दे विल लीव यू। तो है अच्छी खासी, लेकिन हाँ ये आपको जब टास्क मिलेगा ना आप कर पा रहे हो तो पहले ग्रुप, अगर नहीं कर पा रहे तो आपको हेल्प करने वाले रहेंगे, तो वहाँ पर आपको सीखने मिलेगा, आपको नए नए चीज़ें पता चले कि मार्केट में चल क्या रहा है एंड हो क्या रहा है। बेसिकली हम लोग जो भी सीखे अभी तक वो सब प्रैक्टिकल नहीं है, लाइक जो हम लोग करेंगे वो किसी को कैसे किस तरह हेल्प कर रही है रेवेन्यू क्रिएट करने में, या फिर किस तरह हेल्प कर रही है लोगों को टाइम सेव करने में, तो ये सब चीज़ के ऊपर हम लोग पैसे बना रहे हैं। लाइक जो हमें जो पेमेंट मिलेगी या फिर जो भी सैलरी मिलेगी इसके पैसे मिल रही है, विच इज़ गुड। तो हम इस तरह से सोचना चालू कर रहे थे अभी तक। फिर मैंने ये तो थी डिजिटल एजेंसी टॉनी वर्ल्डवाइड जहाँ मैंने काम किया था। अब 2 महीने हो गए मैंने सीख लिया रिएक्ट बेसिक्स, मतलब ऐसा पूरी अभी तक मेरे को पूरा रिएक्ट नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको सीखने हैं। तो अब मुझे एक कंपनी मिली लोनो स्टेज नाम, तो यहाँ पर मुझे 7 लाख का पैकेज दे रहे थे लोग विथ दिस मच एक्सपीरियंस 1.2 ईयर्स का। एंड देन यहाँ पर क्या हुआ, उनको रिएक्ट किया था एंड बाकी सब वो लोग खुद सिखाने वाले थे, जैसे कि रिएक्ट नेटिव हो गया, बैकएंड में उनका नोड जैसा वो भी वो लोग बोले थे सिखाएंगे। एंड ये थी गोवा बेस्ड कंपनी जिसमें मुंबई और वडाला में उनका हेडक्वार्टर भी है, पर फॉर सम रीज़न प्री पोस्ट कोविड का सीन था तो फॉर सम रीज़न तो उन्होंने मुझे हायरिंग फ्रीज कर दी। एंड तो मैं भी कुछ बोला नहीं कि भाई मेरे को ही पता है कि कोविड के बाद का सीन है तो चलता है होता है, बहुत सारी जगह पर हो रहा था ये और ये सब, तो मैंने कुछ बोला नहीं। देन उसके जस्ट 2 दिन बाद मैं उस जगह कंपनी में ज्वाइन हो गया जिसका नाम था ट्रूमेट्स। तो जो पहले मैंने बताया 7 लाख वो तो था, बट मैंने ट्रूमेट्स का पैकेज इसलिए नहीं बताया कि मैंने यहाँ पर काम किया हो तो ये सब मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मुझे पैकेज अच्छा मिला एंड देन यहाँ पर तो ये जो प्रोडक्ट का एकदम सर्विस बेस से आया था, यहाँ पर मेरे को प्रोडक्ट बेस पे जॉब मिल गई तो विच इज़ ग्रेट। लाइक मेरे को समझ रहा था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसे वर्क करती है, तो ट्रूमेट्स ने काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ पर। मेरे को लग रहा था सब बोल रहे थे कि प्रोडक्ट बेस पे ज़्यादा कुछ कब टास्क नहीं आता, सर्विस बेस पे आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट आते एंड सीखने मिलेगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम वर्कलोड है, बट प्रोडक्ट बेस पे ऐसा नहीं होगा ऐसा लोग बोल, बट ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट बेस पे जब भी आप काम करते हो आपको एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारा काम आता है। लाइक अभी जो ट्रूमेट्स वो तो ऑनलाइन फार्मेसी टाइप की एजेंसी कंपनी है जो कि फोकस्ड है जेनरिक मेडिसिन के ऊपर, तो इसके ये थी उनका प्रोडक्ट एंड ट्रूमेट्स उनका वेबसाइट है। तो हम लोग पूरे वेबसाइट एंड पोर्टल्स पर वर्क कर रहे थे। तो ये जो था हमें अभी बोलते ना एक ही चीज़ पे
हम बार बार चीज़ें बना रहे थे, बार बार चीज़ें डिप्लॉय कर रहे थे, समझ रहे थे, एक चीज़ का वर्क कर रहे थे, तो हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे बट हमारे पास काम बहुत कम था, ये चीज़ें हमें बनानी थी। तो यहाँ पर हम जब एक ही चीज़ पे काम करते हैं ना, हमें काम खुद ब खुद आसान लगने लग जाता है। तो यही होता है प्रोडक्ट बेस्ड का डिफरेंस एंड एजेंसी का डिफरेंस। तो विच इज़ रियली गुड कि हम एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, बिजनेस कैसे चल रहा है वो सब जान पा रहे, तो अच्छा होता है वो। देन यहाँ पर मेरे इंटरव्यू लिया था ओमकार शेला ने, विच इज़ रियली ग्रेट, लाइक उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों की, रिएक्ट एंड ऑल। फिर तो उन्होंने सिखाया हमें कि मेरे को भी मतलब ज़्यादा नहीं आता था, एंड उन्होंने सीखा, इंटरव्यू लिया एंड सिखाया भी बाद में, यहाँ तक कि इंटरव्यू तक में सिखाया हमें कैसे वर्क कर रहा है, जो कि होता नहीं है मुश्किल जगह पे, बट हाँ उन्होंने बताया हमें कैसे, मतलब वो क्वेश्चन कर रहे थे अगर मैं मेरे को नहीं आ पा रहा था तो वो बता रहे थे कि ऐसा होता है, तो वो भी सही। तो यहाँ पर मैं हमने काम किया एंड 5 months मैंने यहाँ पे काम किया एंड चीज़ें सीखी। देन नाउ आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी इन वेब 3, जिधर मेरे को जाना था, जिस बारे में हम इतना एक्साइटेड है चीज़ें सीखने में। तो हमें एक कंपनी मिली जो कि नाम थी डार्कस्टफ, अभी बैंगलोर की है ये। तो यहाँ पर अभी जा रहा हूँ मैं, 1 तारीख से ज्वाइनिंग है 1 अप्रैल से, एंड आज जो शूट कर रहा हूँ 29 चल रहा है, 29 या 30 चल रहा है, 30 चल रहा है। ओके, तो 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इन नेक्स्ट जेएस, एंड बट चीज़ें है यहाँ पर बैक एंड नोड जेएस पे होएगा और दूसरे तरह से डाउट्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्शन होने वाला है इधर, तो ये सब भी सीखने मिलेगा, तो अच्छी बात है। एंड जैसे जैसे मैं सीखूंगा वैसे वैसे मैं यहाँ पर भी बताऊँगा। ये तो थी मेरी अब तक की जर्नी, अब है आगे क्या होगा। तो एक बार मैं वेब 3 सीख जाऊँ, तो जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे मैं वीडियो आपके लिए बनाते जाऊँगा, तो हम लोग साथ में सीखते जाएंगे। देन उसके बाद क्या, मैं अपने स्टार्टअप बिल्ड करना चालू कर दूंगा, अपने बिजनेस बिल्ड करना चालू करूँगा, टेक बिजनेस डेफिनेटली, एंड उसकी जर्नी भी इसी चैनल पे आएगी, जिससे कि आपको पता चलेगा टेक आप भी सीख सकोगे या फिर आप मुझे गाइड कर सकोगे कि चीज़ें कैसे करनी है या फिर चीज़ें हो कैसे भी। तो जो आप टेक सीख रहे हो उसके बाद टेक से आप किस तरह से बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से आप लोगों की हेल्प कर पाओगे, भाई पैसे पर्पज़ तो वही है, पैसे तो सब कमा रहे हैं, करना कैसे, लाइक बनना क्या है वो इम्पोर्टेंट। तो जो मेरा एंड गोल है मेरे लाइफ का वो है मुझे वर्ल्ड टेस्ट का टाइटल, एंड मैं उसकी के लिए वर्क कर रहा हूँ एंड वहाँ तक तो पहुँच रही हूँ। तो ये सब तो ठीक है यहाँ तक, ये तो बात की बात है, बट अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो फोकस्ड है हमारा कि कैसे भी करके चीज़ें सीखनी है, चीज़ें सिखानी भी है अपने को, तो पर साथ साथ में चीज़ें बनानी आनी चाहिए। हमेशा फोकस रखना है कि जो भी हम सीख रहे हैं वो हम क्रिएट कर पाए या फिर लाइक अप्लाई कर पाए किधर। तो मुझे अपने प्रोडक्ट्स के जो भी मैं बनाना चाहूँ, जो भी मेरा स्टार्टअप आइडिया, जो भी मेरे को आइडिया मिल रहा है उसको मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँ और चीज़ें बना पाऊँ, एंड एटलीस्ट एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP जो कि मैं दूसरों को दिखा सकूँ। एंड देन स्टार्ट करने के बाद एक बार चीज़ें थोड़ा बहुत फंक्शन हो जाए मैं दिखा सकूँ लोगों को ऐसे काम करेगा, एंड उसके बाद काफ़ी सारे एक्सपर्ट मार्केट में, लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है भाई यहाँ पर, मैं कोई किंग विंग नहीं है, मैं एक नॉर्मल बंदा जिसको कुछ नहीं आता है एंड सी प्रॉब्लम। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ों में, उनके साथ काम करके हम चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे वैसे लोग के साथ रहना है, तो वहाँ तक जाना है। तो अगर आपको लग रहा है आप चीज़ें सीख रहे हो तो
बिंदास भाई कमेंट मतलब कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, यूट्यूब पे हो तो कमेंट करके देखो, मैं तो रिप्लाई कर ही दूँगा। और अगर सही में कनेक्ट करना है तो लिंक्डइन पे आ जाओ यार, लिंक्डइन पे भी रिक्शा सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे tik.sch है, वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड होता है ना कि लोग सोचते हैं भाई अभी के अभी का बता ना भाई, अभी का क्या है, जॉब कैसे मिली, देखो इतने सारे अच्छे अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रहे हैं। तो इस पे एक जल्दी ही वीडियो डाल देता हूँ कि आप किस तरह से मतलब अभी मेरे को स्किल्स आते हैं या फिर नहीं आते, मेरे कोई डिग्री नहीं है आईटी में, तो आईटी में कैसे जॉब मिले भाई, ऐसे तरीके। मैं फ्रंट एंड गाऊँ तो मैं फ्रंट एंड के बारे में बता सकता हूँ कि कैसे करना है, बट मैं एक जनरल आइडिया दे दूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको भी समझ जाएगा क्या होता है क्या हो रहा है। तो वो शुरू करते हैं, उसके बाद ही आप बाजू वाले में वीडियोस में देख पाओगे कि आज राइट या लेफ्ट में किधर आपका आना रहेगा। आप देख लो वो वीडियो, अगर हाउ टू गेट जॉब इन आईटी, तो ठीक है भाई देख लेना। और अगर चैनल वीडियो सही में अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो कि सही में रियलिटी हिट करने वाली आपकी। तो हाँ थोड़ा वीडियो क्वालिटी गंदी है, एक्टिंग थोड़ी बच्चों सी है, बट क्या करें, अकेला बंदो कर रहा हूँ, स्टार्ट किया है।